सो गाइस, मेरे से एक बहुत ही बड़ा कांड हो चुका है गाइस। मतलब क्या ही बताएं, मैं आप लोगों को ये बात बताना नहीं चाहता था, फिर भी मेरे को ये बात बताना पड़ रहा है। क्या है ना गाइस कि मेरा गोप्रो ना गाइस खराब हो चुका है। सीन कुछ ऐसा है ना गाइस कि मैं गया भोले बाबा को पानी चढ़ाने के लिए, और गाइस मैं ना अपने गोप्रो ले गया था वहाँ पर वीडियो कैप्चर करने के लिए। और गाइस हम लोग निकले थे गाइस सुबह में ही, 8 बजे निकल गए थे, वहाँ पर पानी उठाए थे 3:30 बजे के राउंड। तब तक गाइस अच्छा ही था। और उसके बाद ना गाइस पैदल हम लोग करीबन 2 घंटा का रास्ता कवर कर चुके थे। उसके बाद से ना गाइस एकदम पूरा रात ना गाइस एकदम बारिश होने लगा गाइस, और उसी की वजह से ना गाइस मेरे गोप्रो में पानी चला गया था, इसीलिए खराब हो चुका है। मैंने तो गाइस सुना था कि गोप्रो वाटर प्रूफ होता है, तो इसीलिए मैं लेके चला गया था, और मेरे को मालूम नहीं था ना गाइस सारा कांड कहाँ से हुआ है गाइस, वो मैं आप लोगों को बता दूं। गोप्रो में जो एडाप्टर होता है ना गाइस, तो वहीं से पानी चला गया है, मेरे को तो मालूम नहीं था गाइस। तो इसी की वजह से मैं उसको एडाप्टर को ना खोल के मैं घर पर ही रख दिया था। वहां पर जाने के बाद सारी रात ना गाइस एकदम बारिश ही बारिश गाइस, इतना बारिश ना गाइस, उसमें सारे कुछ मैं रिकॉर्ड किया था गाइस। इतना खतरनाक सा सीन हुआ था ना कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, वो सारे चीज उसमें कैप्चर हुआ था गाइस। और उसके साथ साथ ही गाइस मेरा गोप्रो भी खराब हो चुका। और गाइस आज सुबह उसको बनाने के लिए मैं कोलकाता गया था, तो वहां पर कुछ सीन ऐसा हुआ ना गाइस कि खुले थे कैमरा को खोलकर, और वहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर किया और बोल रहा है कि भाई अभी यह तो नहीं हो रहा है, अभी पॉसिबल नहीं है, बाद में आना। और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया था और बोला कि बाद में आने के लिए, और जब वो हो जाएगा ना गाइस तो वो बोला था खुद ही मैं फ़ोन कर दूंगा। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कितने दिन के बाद फ़ोन आता है और मेरा गोप्रो बनता है। मतलब क्या ही बताए गाइस, बहुत ही बुरा लग रहा है और कुछ कर भी नहीं सकते गाइस। और उसी के कारण ना गाइस अभी कुछ दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, मैं अभी ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ बताने के लिए। और गाइस हम लोग गए थे ना कोलकाता, तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, तो चलो वो सब चीजें आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं। हेलो गाइस, चेक 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 चेक। तो गाइस बहुत दिन के बाद में DSLR पे ब्लॉग बना रहा हूँ, वो भी रास्ते पे ऐसे, और भाई ये लास्ट टाइम भी हो सकता है इसमें। ये देखो विजय भाई अकेला पड़ गए। पहली बार मैं ऐसे रास्ते पे ब्लॉग कर रहा हूँ भाई, अजीब सा ही लग रहा है। गाइस सुबह सुबह कट गया हमारा और गजब लग रहा है भाई, ऐसे ब्लॉग बनाना। बड़ा चूना लगा दिया गाइस, सुबह सुबह चूना लगा दिया। चलो और गाइस देखते हैं हमारे गोप्रो कितने दिन के बाद रिपेयर होके आता है। गाइस थोड़ा दुआ करो गाइस कि जल्दी रिपेयर होके आ जाए। और गाइस गोप्रो का जो जो खबर आएगा ना गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और गाइस टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि गाइस सुबह भाई है ना गाइस, सुबह भाई का जो गोप्रो है ना गाइस, उससे ही मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना लूंगा। अभी कुछ दिन इतने दिन नहीं आ रहा है, तो सुबह भाई को मैंने बोला था कि भाई चल कल एक राइड पे, तो बोला कि ठीक है। तो गाइस कल जा रहे हैं हम लोग एक राइड पे, वो भी वीडियो आप लोग देख पाओगे। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के राइड पे, तब तक के लिए बाय।